ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मोबाइल बंद हो गया है, मोबाइल बंद। थैंक यू, थैंक यू सर। द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका मेज़बान जाफर फरीद। आपको बताते चलें कि जिस खबर का आपको इंतज़ार है वो खबर लगभग हमारे तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बनी असम्बली हलके से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर रामेश्वर ने बनी असम्बली हलके से जीत दर्ज की और बनी असम्बली हलके के रुकने असम्बली बने। और आज डॉक्टर रामेश्वर अभी की जानकारी के मुताबिक श्रीनगर पहुंच चुके हैं और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी रुकने असम्बली अभी जिन्होंने बहुत से असम्बली हलकों से जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो तमाम लोग जो है वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से के बहुत से लोग जो है वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और साथ ही साथ यूसुफ तारीगामी जो कि CPIM के लीडर हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और बहुत सारे लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में आज ये पता चलेगा कि किस लीडर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी और कौन इस बार जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर का वजीर आला कौन बनेगा, ये आज ही की मीटिंग में तय होगा। पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला होंगे, लेकिन ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई है। आज की मीटिंग में ये तय होगा कि कौन जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला बनेगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में ये असम्बली इंतखाबात हुए और अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार जो है वो वजीर आला कौन बनेगा वो आज तय होगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, किस रुकने असम्बली को कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी जाती है। अब अगर हम आपको बताएं कि डॉक्टर रामेश्वर जब कंपेनिंग में थे तो उन्होंने ये बताया था कि हम जो है वो सरकार में बैठेंगे, यानी जो पार्टी सरकार बनाएगी हम उनको अपना समर्थन देंगे। और अभी की जो खबर है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बहुत सी कुछ ऐसी पार्टियां हैं और जो मिलकर जो है वो सरकार बना रही है और इनके साथ जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी आज़ाद उम्मीदवार भी मिलकर जो है वो एक नई सरकार जम्मू कश्मीर में खड़ा करने जा रहे हैं। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, अभी जो है वो थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला कौन होगा। बात अगर डॉक्टर रामेश्वर की करें तो इन्होंने लोगों के साथ ये भी वादा किया है कि हम सरकार में बैठेंगे, मिनिस्ट्री लेंगे, अपोजिशन में रहकर हमें क्या करना है। अब देखते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं मिलती है, कौन सी सरकार में बैठेंगे, क्या काम मिलेगा आज, वो सब कुछ आज तय होगा। कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का नया वजीर आला, ये भी आज ही तय होगा। आज की जो मीटिंग, कुछ ही लम्हों के बाद जो मीटिंग का इख्तिताम होगा, क्या कुछ तय होगा, वो सब कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।